रुक करते हैं प्रदेश की ओर। बिलासपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं यूपी के प्रभारी जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वह प्रभारी हैं, पूरे देश के अलावा सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की लहर है। इस पर उत्तर प्रदेश में जातिवाद, क्षेत्रवाद और अन्य मुद्दों से ऊपर उठकर लोगों ने विकास को वोट दिया है। इस पर लोगों ने मोदी को वोट देने का मन बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं यूपी के प्रभारी जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, पूरे देश के अलावा सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की लहर है और इस बार उत्तर प्रदेश में लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद और अन्य मुद्दों से ऊपर उठकर लोगों ने विकास को वोट दिया है। इस बार लोगों ने मोदी को वोट देने का मन बनाया है। जेपी नड्डा ने कहा कि 6 चरणों में पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ है और आने वाले 7वें चरण में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलेगा। जेपी नड्डा ने हिमाचल की जनता से भी अपील की है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करें और 4 में से 4 सीटें भाजपा को जिताकर केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनाएं, ताकि हिमाचल प्रदेश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। इससे पहले जेपी नड्डा हेलीकॉप्टर के माध्यम से बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर पहुंचने पर जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया, वहीं जेपी नड्डा ने पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के पक्ष में जोरदार चुनाव अभियान शुरू किया। तो चाहे वो अभिनंदन का एक दिन के अंदर छूट करके आना हो, ये सारी चीजें बताती हैं कि दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदला है और भारत एक मुख्य धारा में खड़ा देश दिखता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इन सभी बातों का मोहर लगाने के लिए आज भारत की जनता उत्सुक है। मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव अब अंतिम चरण पर पहुंचा है। जो पहले चरण हुए हैं वो चरण एक तरफा हुए हैं और ये जो 7वां चरण रहेगा यह भी एक तरफा होगा। और उत्तर प्रदेश में लोगों ने जातिवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मोदी जी को एक तरफा प्यार दिया है और एक तरफा उस पर मोहर लगाई है और यही हमको 7वें चरण में भी देखने को मिलेगा। एक तरफा प्यार दिया है और एक तरफा उस पर मोहर लगाई है और यही हमको 7वें चरण में भी देखने को मिलेगा। एक फिर से मैं कहूंगा कि सुनामी दिख रही है और वही हमें हिमाचल प्रदेश में भी दिख रही है। 4 out of 4 लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत करके आए, उनको आशीर्वाद मिले। और आपके माध्यम से मैं हिमाचल की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि आप भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना पूरा योगदान करें और मोहर लगाएं। मैं एक बात कहना भूल गया कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज अपने आप में एक बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है। धूमल जी की सरकार में हमको हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है, उनकी सरकार जाने के बाद वो रोक दिया जाता है। मैं सांसद बनता हूँ, मैं भारत सरकार के मोहिली साहब से बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हम आना तो चाहते हैं लेकिन आपके प्रदेश की कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती है। सरकार बदलती है, केंद्र में हमारी सरकार आती है। पीयूष गोयल जी के माध्यम से मैं उसका नया करार कराता हूँ, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की तैयारी होती है। प्रदेश सरकार फिर से हमारी नहीं है, इसलिए यहाँ काम रोक दिया जाता है, क्लासेस यहाँ से शाहपुर पहुँचा दी जाती है। सरकार बदलती है, डबल इंजन लगता है, हाइड्रो इंजीनियरिंग का काम तीव्र गति से चलता है। तो ये है डिफरेंस और इसको लोग भी देखते हैं, लोगों को भी ध्यान में आता है। तो हमारी कोशिश है आपके माध्यम से कि जो सारे देश में माहौल है वही मैं हिमाचल प्रदेश में देख रहा हूँ।